गंभीर ने कह दी ऐसी बात, अब 2024 में केकेआर के बदलने वाले हैं हालात। नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। जी हां, गौतम गंभीर की एक ऐसी बात सामने आई है, एक ऐसा बयान गौतम गंभीर ने दे दिया है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जनाब 2024 में तैयार हो जाइए, क्योंकि गौतम गंभीर के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई इस बयान से संकेत गौतम गंभीर के मिल रहे हैं। और जाहिर तौर पर गौतम गंभीर जब लखनऊ में थे तब उन्होंने केएल राहुल को लेकर एक बयान दिया था। अब जो गौतम गंभीर की बातें केकेआर के साथ चल रही हैं, अब उन्होंने केकेआर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। और गंभीर के बारे में आप लोगों को पता है कि बड़े ईमानदार खिलाड़ी है वो, बड़े ईमानदार मतलब वो इंसान है, वो जिस टीम के साथ रहते हैं उस टीम की बड़ी खुलकर सपोर्ट करते हैं गौतम गंभीर। यह आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि आप लोगों ने 2023 के आईपीएल में देखा होगा जब नवीन उल हक और विराट कोहली की लड़ाई हुई थी, आपको याद है ना, तब अपने खिलाड़ी के साथ आकर खड़े हो गए थे गौतम गंभीर और उन्होंने विराट कोहली से पंगा ले लिया था, क्योंकि नवीन उल हक उनकी टीम के खिलाड़ी थे। इसीलिए गौतम गंभीर अपने खिलाड़ी, अपने कप्तान, अपनी टीम के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, वो अपने खिलाड़ियों का हमेशा साथ देते हैं। अब गौतम गंभीर ने केकेआर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल आप लोगों को याद होगा कि हाल ही में जो विराट कोहली ने 49वां शतक लगाया, जो वो सचिन तेंदुलकर के सामने आकर खड़े हो गए, साथ आकर खड़े हो गए, उस शतक के साथ श्रेयस अय्यर की भी एक अच्छी पारी थी, शानदार पारी श्रेयस अय्यर ने भी खेली थी। लेकिन श्रेयस अय्यर की पारी को लेकर कभी किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन गौतम गंभीर ने बहुत बड़ी बात कह दी। गौतम गंभीर ने कहा है कि विराट कोहली का जो ये शतक आया है, विराट कोहली ने जो ये कारनामा किया है, ये कारनामा श्रेयस अय्यर की वजह से हुआ है। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी अगर उतनी बेहतर ना होती तो विराट कोहली अपना 49वां शतक ना लगा पाते, ये गौतम गंभीर ने कहा है। अब गौतम गंभीर का श्रेयस अय्यर को लेकर दिया गया ये बयान 2024 के लिहाज से देखा जा रहा है। या क्रिकेट फैंस का कहना है कि गंभीर केकेआर में आएंगे, ये संकेत मिल चुके हैं इस बयान से। गंभीर जिस तरीके से श्रेयस अय्यर का साथ दे रहे हैं, जिस तरीके से केकेआर की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर क्योंकि कप्तान है केकेआर के, जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी की तारीफ कर रहे हैं, इससे साफ है कि भाई साहब गौतम गंभीर का अब अपनी पुरानी टीम से नाता जुड़ने वाला है, प्यार मोहब्बत दोबारा से शुरू हो गई है गौतम गंभीर की केकेआर के साथ। और जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए, क्योंकि गंभीर एक ऐसे इंसान है वो जहां खड़े होते हैं अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करते हैं, बिल्कुल साफ करते हैं और खुलकर बोलते हैं। ये हमने 2023 में लखनऊ के लिए भी देखा जब उन्होंने केएल राहुल का सपोर्ट किया, नवीन उल हक का सपोर्ट किया और सीधे तौर पर विराट कोहली से भिड़ गए थे। और अब भी हम देख रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने श्रेयस अय्यर की जिस तरीके से तारीफ की है, इस तारीफ के बाद ये क्या संकेत मिलने लगे हैं कि गंभीर केकेआर में आएंगे 2024 में, केकेआर को तूफानी बनाएंगे। तो आपका गंभीर के इस बयान पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में गौतम गंभीर केकेआर में आकर 2024 में तूफानी होने वाले हैं, केकेआर की टीम मजबूत होने वाली है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अंदर की खबरें इस तरह की मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।